अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रसगुल्ले। तो रसगुल्ले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। फुल फैट दूध हमें चाहिए 1 लीटर। मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून हमें सफ़ेद सिरका चाहिए। इनसे हम दूध को फाड़ेंगे। और शीरे के लिए हमें 4 कप पानी चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें केवड़ा वाटर चाहिए। 1/2 टीस्पून हमें इलायची पाउडर चाहिए। और 1.5 कप हमें चीनी चाहिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे और देचकी में मैं दूध ऐड करूंगी। फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है और 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे ताकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं हमेशा टेट्रा पैक से ही बनाती हूँ। और ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब इसमें मैं इस तरह सिरका ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह हम सिरका डालेंगे। और फौरन हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, इसको देचकी को इस तरह पकड़ के हम हिलाएंगे। और जैसे ही फ्लेम को मैंने अभी ऑफ नहीं किया, जैसे ही इसमें एक जोश आएगा उस वक़्त हम इसको ऑफ कर देंगे। अब ये देखें ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है सिरका डालने के बाद। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और आप ये देख सकते हैं पानी अलहदा हो चुका है और चीज़ अलग हो चुकी है। मैं इसमें चम्मच नहीं थी हिला रही, इसी तरह मैं इसको देचकी पकड़ के ही हिलाया है मैंने। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ रेडी हो गई है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। एक बाउल लेंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे और उसके ऊपर मैं इस तरह मलमल का कपड़ा रखूँगी। कोशिश कीजिएगा कि आप मलमल वाला कपड़ा लें, क्योंकि मलमल का कपड़ा जो है उससे ये पानी सही से निकल जाएगा। अगर आपकी चीज़ में से पानी सही ना निकला तब भी आपके रसगुल्ले सही नहीं बनेंगे। और इस तरह मैं इसमें नॉर्मल टैप वाटर डालूंगी ताकि जो सिरके का खट्टापन है वो निकल जाए चीज़ में से। पानी डालने के बाद इसकी हम एक पोटली सी बना लेंगे और इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको ऊपर से इस तरह प्रेस करना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से हम ऊपर से प्रेस करेंगे और इस तरह मैं इसको 30 मिनट के लिए हैंग कर दूंगी ताकि इसमें जो मज़ीद थोड़ा पानी है वो भी निकल जाए। और दूसरी तरफ हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। पानी में चीनी ऐड करेंगे, इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद चीनी इसमें डिजॉल्व हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर दूंगी, हमने शीरे को गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस पोटली को खोलेंगे, चीज़ को निकालेंगे और मैं इसे अपनी वर्क सरफेस पे मसल लूंगी। तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट इसको मसल लें, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ हाथ की मदद से। और ये देखें इस तरह हम इसको आगे की तरफ करेंगे ताकि ये स्मूथ सा डो तैयार हो जाए, कोई इसमें दाना ना रहे। अब मैं इसको दूसरी तरफ करूंगी और इसी तरह मैं 2 से 3 बार करूंगी।
बस आपकी चीज़ सही तरह से रेडी होनी चाहिए और शीरा आपका गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी चीज़ में पानी रह गया तब भी आपके रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे, अगर आपने शीरा गाढ़ा कर दिया तब भी आपके रसगुल्ले सही नहीं बनेंगे, और अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको मसल लिया तब भी रसगुल्ले ठीक से नहीं बनेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मैं मसलसल इस तरह मसलती रही हूँ हल्के हाथों से, और अब हम रसगुल्ले बना लेंगे। छोटे साइज़ के कोशिश कीजिएगा आप बनाइएगा, क्योंकि ये फूल के डबल साइज़ के हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और चाहे तो आप गोल बना लें, चाहे तो आप इस तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ लंबाई में ये बना लें, और इसी तरह मैं बाकी के सारे भी रेडी कर लूँगी। तकरीबन 1 लीटर दूध में 18-19 रसगुल्ले तैयार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ मैंने शीरे की फ्लेम को हाई कर दिया था, और ये देखिए शीरा हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। जैसे ही हम रसगुल्ले बना के रखें, अगर आपने उसकी बॉल्स बनानी है, गोल बनाने हैं तो गोल बना लें, अगर आपने इस तरह लंबाई में बनाने हैं तो वो लंबाई में बना लें। जैसे ही आप बनाएं फ़ौरन आपने शीरे में डाल देने हैं, फ्लेम को आपने हाई पे ही रखना है, आपने उसको स्लो नहीं करना। इस तरह सारे रसगुल्ले डालने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी, और 10 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद ये देखें ये डबल साइज के हो चुके हैं। अभी ये डबल साइज में है, लेकिन जब हम दोबारा इनको लो फ्लेम पे रखेंगे 20 मिनट के लिए तो इनका साइज थोड़ा कम हो जाएगा दोबारा से। अब मैं इनको कवर करके छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, रसगुल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इनको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, और तकरीबन ये 1 घंटे में रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी, और 30 मिनट के लिए मैं इनको फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो लीजिए ज़बरदस्त ठंडे ठंडे रसगुल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बच्चों बड़ों सबको ये बहुत पसंद आएंगे। आप इनको बना के फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखने के बाद इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी हो जाते हैं, और ये बनाना भी बहुत आसान है। बस आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, और बहुत इजीली आप इनको और बहुत जल्दी इनको बना लेंगे, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।